हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी कैसे हैं? और आप सभी के लिए मैंने जो सुबह एक ब्लॉग बनाया था कि मैं आपको शाम को बताऊंगी अपने ब्लॉग में कि आपको यूट्यूब के साथ कौन सी पांच गलतियां नहीं करनी चाहिए, तो फ्रेंड्स मैं अभी उसी के बारे में आपके लिए एक ब्लॉग बना रही हूँ। तो देखिए, अगर आपका यूट्यूब चैनल है, जैसे एक एल्गोरिथम होता है, तो देखिए जो यूट्यूब होता है, हमारी जो मेल आईडी बनी होती है खुद की अपनी, जिसमें हम वीडियो अपलोड करते हैं, तो क्या होता है कि उसमें हमें खुद की वीडियो कभी भी प्ले नहीं करनी चाहिए। हमें अपनी वीडियो प्ले नहीं करनी चाहिए अपने ही फ़ोन में, और ना ही अपने फ़ोन में काफ़ी सारी मेल आईडी बना के कि भाई चलो हमारी मेल आईडी पे ये यूट्यूब है और मेल आईडी बना के हम उस मेल आईडी से यूट्यूब पे अपनी वीडियो चेक कर लें, देख के उसका पोस्ट टाइम कंप्लीट करें। तो फ्रेंड्स, आपको ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। और सेकंड, देखिए जैसे हम अपने नॉर्मल अपने रिलेटिव्स को, अपने फ्रेंड्स को ये कह देते हैं कि भी मुझे सब्सक्राइब करें और बोल के करवा लेते हैं काफ़ी फ्रेंड्स से ही आप रिलेशन्स में, तो देखिए फ्रेंड्स हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ऐसा क्या होता है कि देखिए हम वो सब्सक्राइबर तो कर लेंगे, कितने सब्सक्राइबर होंगे, 100 200 आपके मतलब जितने भी रिलेटिव्स फ्रेंड वगैरह होंगे, तो आप कितने 200 300 बस हाथ मार के आएंगे। तो आप इनको अगर सब्सक्राइब करवा भी लेते हैं, बढ़ा भी लेते हैं अपने, तो उससे क्या होता है कि आपके सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे, लेकिन वो इंटरेस्टेड नहीं है कि आपकी वीडियो को देखें, आपकी वीडियो को वो नहीं देखेंगे, लेकिन जो एक यूट्यूब उनको आगे भेजेगा, जिससे आप जिससे कि ये जो मतलब ऑटोमेटिक यूट्यूब वाले सब्सक्राइबर होते हैं, उससे क्या है कि वो देखिए उनको इंटरेस्ट है आपकी यूट्यूब वीडियो में, तभी वो जाके आपको सब्सक्राइब करते हैं और आपकी वीडियो को वॉच करेंगे। उससे क्या होगा कि आपकी वॉच टाइम भी कंप्लीट होगा और सब्सक्राइबर भी कंप्लीट होगा। तो जो यूट्यूब एल्गोरिथम होता है उसको पता लगता है यहाँ कि भाई क्या कंप्लीट होता है, क्या इसका मतलब इंटेंशन है कि क्या बनाना चाहता है, यूट्यूब को भी पता लगता है और जो आपके सब्सक्राइबर हैं फ्रेंड्स उनको भी पता लगता है। तो इससे क्या, मैं आपके बारे में यही बताना चाहती थी आप सभी को कि जो नए नए यूट्यूबर होते हैं वो ये सब गलतियाँ करते रहते हैं कि अपनी फ़ोन में वीडियो को देख के वॉच टाइम कंप्लीट करना और सब्सक्राइबर बढ़ाना, और मतलब काफ़ी ऐसी गलतियाँ हैं जो करते हैं अक्सर लोग। तो देखिए ऐसी गलतियाँ कभी भी मत करिएगा आप। और तीसरा, अपनी वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोडिंग कंटिन्यू रखिए। उससे क्या होगा कि देखिए आप कंटिन्यू रहेंगे तो उससे यूट्यूब जो है ना उसको पता लगेगा कि हाँ ये यूट्यूब पर मतलब कंटिन्यू है तो ये चलता रहेगा। अगर आप बीच में सोचते हो कि नहीं होता ऐसा कुछ नहीं है, ये है वो है, इसमें ज़्यादा कुछ अपने माइंड में सोच के बैठ जाते हैं, बीच में छोड़ देते हैं, तो ये बहुत गलत है। आपका जो लेवल है वो डाउन हो जाता है, वॉच टाइम का भी लेवल, सब्सक्राइबर का भी लेवल, ठीक है, तो उससे क्या होता है डाउन हो जाता है। वो आपको गलती बिल्कुल नहीं करनी अपलोडिंग में, मतलब पर डे सेकेंड डे थर्ड डे आपको इस पर अपना कंटिन्यू रखना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आप सभी को ये इतनी सारी जानकारी देने के लिए शुक्रिया, और मैं चाहती हूँ कि आप सभी ये गलती ना करें, क्योंकि ये गलती मैं भी वैसे करती थी पहले, तो अब मैं नहीं करती। अगर मुझे वीडियो देखनी ही होती है खुद की कि मैंने आज क्या डाला है, क्या क्या है, कितना मेरा वॉच टाइम हुआ है, कितना क्या हुआ लगा दी, तो मैं सेकेंड फ़ोन में देखती हूँ। वो मेरे मेल आई डी भी नहीं है, मेरा फ़ोन भी नहीं है, कुछ मेरा नहीं है, मैं अपने फ़ोन में कुछ नहीं देखती, दूसरे फ़ोन में देखती हूँ। वो भी दूसरा फ़ोन क्या, किसी का भी घर में से लेके हम देख सकते हैं, तो अपने फ़ोन में कभी भी ये देख के आप गलती मत कीजिएगा। तो बाय फ्रेंड, टेक केयर, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।